सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल राजा हैदर, बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फेसबुक पे राजा हैदर ऑफिशियल को लाइक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं राजा हैदर को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे और आज भी वही। ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा? आप की फीडबैक मिलती रहती है मुझे यूट्यूब पे, जिस तरह आप अपनी मोहब्बतों से नवाजते रहते हैं, हम उसके लिए दिल से दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको अजर अजीम अता करे और आपकी मुश्किलें आसान करे ताकि आपको किसी की ज़रूरत ही ना पड़े कि आप इंतज़ार करें कि हफ़्ता कैसा रहेगा। लेकिन जब तक हम लोगों की सांसें चल रही हैं, ये सांसें वफा कर रही हैं, तब तक आपको एक दूसरे का मोहताज रहना होता है। ये ज़रूरत होती है एक दूसरे से कि हम वसीला बन जाते हैं। तो अगर मैं उस वॉचमैन की तरह जो रात को कहता है जागते रहना, या फिर उस आदमी की तरह जो किसी नए शहर में आता है और किसी से पूछता भाई ये रास्ता कहाँ जाएगा, तो आप कहते हैं यहाँ से यहाँ जाना है, वहाँ से वहाँ जाना है। सफ़र आपने ख़ुद तय करना है, मैं सिर्फ आपको राह दिखाने वाला हूँ, बाकी आप उस पर अमल करें ना करें। और पिछली बार भी आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, जाहिर है मैं बड़ा अपना पूरा जितना भी ताकत होती है, जितना भी टाइम होता है, उससे एक एक चीज़ के लिए कैलकुलेट करके लाता हूँ। 7 नवंबर को जाहिर है जो नया चांद आया, उसके बाद की सूरत हाल, तब ज़ोडियक साइन पे जितने भी सब ज़ोडियक साइन उन पे कैसा पड़ रहा है ये बताते हैं आपको। तो एरीज से स्टार्ट करते हैं ताकि आप सब जल्दी से तैयार हो जाए। और सबसे पहले एरीज वाले जो हमल वाले हैं उनको मैं ये बता दूँ कि अब जो हफ्ता शुरू हो रहा भाई आपका, एक तो आपने ये खास तौर पे ख्याल रखना है वो लोग जो कारोबारी हैं, वो जो बिजनेस करने वाले हैं, जहां पे कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है, या फिर वो लोग जिनकी कहीं जॉब चल रही है और वो चाह रहे हैं कि जी हमने जॉब चेंज करनी है, या कहीं जो बेस्ट जगह होती है वहां पे हमने जाके अप्लाई करना। आपके लिए हफ्ता बहुत जबरदस्त है, लेकिन दो चीजों का ख्याल रखना होगा। एक तो जब भी आप बिजनेस नया शुरू करना है या पार्टनरशिप से कोई बहस मुबाइसा करना है, अपग्रेड करनी है, कहीं पे आपने सबमिट करनी है नई जॉब की स्विचिंग के लिए एप्लीकेशन, तो उसके लिए वेनसडे यानी बुध का दिन होना चाहिए, वो आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आगे की तरफ लेकर जाएगा। क्योंकि स्टार्स की पोजिशन ऐसी है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं या जॉब वाले हैं जिनका घर पर बैठ के जो पैसा कमा रहे हैं, खवातीन हजरात जितने भी हैं, उनको अब 2018 का नवंबर का ये वाला जो पोर्शन है, इसमें अब आपका कहीं पे स्टॉप ओवर नजर नहीं आ रहा कि एक जगह पे रुकना फिर आगे जाना है। अब ये नॉन स्टॉप आपकी ये जर्नी शुरू हो गई है। अब इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोग भी आपको माली तौर पे फायदा देना शुरू हो जाएंगे, यानी अगर आप बिजनेसमैन हैं और छोटा बिजनेस है या बड़ा है, तो कोई ना कोई आपके साथ जुड़ के ये चाहेगा कि आप उसके साथ मिल जाएं, आपका ताल्लुक ऐसा बन जाए कि आप उनका पैसा आपके साथ हो, क्योंकि इस वक्त आपके सितारे उरूज पे हैं। एरीज वालों के लिए मुश्किलात का दौर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि दो चीजें आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेंगी। अब जो नया सफर शुरू होने वाला है ये 3 इयर्स के लिए, एक नजरे बद ये जो सितारा है सिबियाल सितारा बहुत तेजी से आपकी नजरे बद, जो भी किसी ने अच्छी या बुरी नजर लगाई वो आपको डैमेज जरूर करेगा। इसके लिए मैं आपसे जरूर दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने नाम के जो वजायफ हैं, इसमें आजम है परवरदिगार के, वो जरूर पढ़ा करें। आप जिस मजहब से भी ताल्लुक रखते हैं, आप जिस चीज पे फेथ रखते हैं कि ये चीज हमें बचा लेगी, जाहिर है तब सबका ताल्लुक एक ऊपर जो परवरदिगार है उसी से जुड़ा हुआ है। आप अपनी अपनी जबान अपने अपने तौर पर उसको मानते हैं। अब अगर कोई ये कहे कि किसी पठान की माँ की कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि वो क्योंकि वो पश्तों में कहता है मोरे या बेजी कहता है, और कोई अगर अम्मी कह ले, अम्मा कह ले, मदर कह ले, मॉम कह ले, इससे जो वालदा है उसकी शख्सियत पे या उसके नाम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अल्लाह ताला को आप किसी भी नाम से बुलाएं, अल्लाह अल्लाह ही है, वो भी ये जानता है और आप भी जानते हैं। नजरबद के लिए आप अपना स्टोन, जो भी कोई आपका बर्थ स्टोन है वो पहन लीजिए, या जो मेरी वीडियोस हैं उस पर भी आप जाके देख सकते हैं। और दूसरा अपना कलर जरूर इस्तेमाल किया करें, जो भी वीकली कलर होता है वो भी आपको काफी हद तक सेफ रखेगा।
एक तो ये, दूसरा ये कि इस हफ्ते अगर आपने जल्दबाजी की, किसी स्टार मैच नहीं हो रहा किसी के साथ और आपने उसके साथ कोई कारोबारी तौर पे कोई भी दिलचस्पी लेने की कोशिश की तो आपको नुकसान भी हो सकता है, इसलिए वो मैच करना बड़ा जरूरी है भाई, ठीक है। अब वो लोग जो कहीं रिश्ता लेकर जा रहे हैं, शादी के लिए तैयार हैं, उनके लिए हफ्ता बहुत अमेजिंग है, क्योंकि ये वो टाइम शुरू हो चुका है जो गैर शादीशुदा लोग हैं या जिनकी शादी हो के खत्म हो गई और वो दोबारा से चाहते हैं कि उनकी शादी खाना आबादी हो जाए। आबादी होती है वैसे, आबादी बढ़ती है, होती नहीं तो आपके लिए ये टाइम बहुत ज्यादा बेहतर है। रातें लंबी होने से ख्वाब मुकम्मल कब होते हैं, ये रातें लंबी हो जाए इससे फर्क कुछ भी नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब आप किसी को मनाते हैं, जो रूठे हुए लोग हैं, मनाने का फन सीख लीजिए आप। आपको ये लगता है कि हर वक्त आप ही को पैम्पर किया जाए एरीज वालों, तो ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं बहुत सारे एरीज जो सात वक्त में पैदा हुए उनकी ये शख्सियत का हिस्सा नहीं है, लेकिन अब जो टाइम शुरू हुआ है उसमें यही है। और मनाने का फन बड़ा आसान है, तुमको आता नहीं मनाना तो सर को शाने पे आके रख देना, बस अपना सर किसी के शाने पे या किसी का सर अपने शाने पे रख दे, मान जाते हैं, क्योंकि आपकी मोहब्बत की जो एक पावर है वो दूसरे स्टार से कई गुना ज्यादा है। कुर्बत हो जाएगी आपके अजीज व अकारिब, आपका महबूब अब आपके करीब ही रहेगा। मुल्क से बाहर जाने वालों के लिए वीजा सबमिट करना चाहते हैं, इमिग्रेशन के मसले हैं, तो इस हफ्ते जुमेरात से आपका टाइम फिर ज्यादा यानी 3.7% तक मजीद बेहतरी की तरफ जा रहा है, तो आप ये कर सकते हैं। थर्सडे को अगर सबमिट करें वीजा एप्लीकेशन तो बहुत ज्यादा उम्मीद हो जाएगी, कभी उम्मीद हो जाएगी कि आपका वीजा रिफ्यूज नहीं होगा कभी भी। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो तालीम हासिल कर रहे हैं एडीज वाले, उन लोगों को मैं ये कहूंगा कि अभी एक स्टार आया है जो थोड़ा स्लो मूव ले रहा है। इसका मतलब क्या होता है, स्लो मूव में आपके स्टार्स में जो परसेंटेज 54% तक कभी कभी मैक्सिमम आती है उससे थोड़ा सा नीचे आएगा, यानी 49-48% को टच करेगा, जो बहुत मजेदार तो नहीं होता लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं है। समझ लीजिए कि ये वो पोर्शन है, बिल्कुल हर वक्त ही हर दिन संडे का नहीं होता और हर बॉल पे छक्का नहीं लगता है, इसी तरह हर वीक में अपडेट ही मुसलसल ही होते नहीं जाएंगे, वरना तो 100 क्रॉस हो जाएगा ना। तो अल्लाह ताला ने बैलेंस रखा है, दिन और रात, खुशी और गम, बस इस तरह के मुख्तलिफ जो फ्लेवर्स हैं वो आपको अल्लाह खुद ही जानता है कि लोहे महफूज में वो क्यों लिख रहा, लेकिन इससे घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये दो तीन दिन की बात है और उसके बाद फिर बहुत ज्यादा बूस्ट हो रहे हैं आपके सितारे। मुल्क से बाहर कहीं भी आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं, अपना स्टूडेंट जितने भी लोग हैं किसी कोर्स पर जाना चाहते हैं, तो आपके लिए वक्त अच्छा है। जो मुसाफिर कहीं आ जा रहे हैं उनके लिए भी ये हफ्ता जो है बहुत अमेजिंग समझा जाता है। 77% तक इसकी रेटिंग जा रही है, यानी बहुत ज्यादा होती है, 50 के ऊपर चली जाए तो बहुत बेहतर। नसीब या किस्मत को बदलने के लिए प्राइस बॉन्ड का इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिएगा, बिल्कुल नहीं लगेंगे आपके प्राइस बॉन्ड। या स्टॉक मार्केट में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है वो कोशिश करें कि लॉन्ग टर्म के जो शेयर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट किया करें, या जो बिटकॉइन इंटरनेशनली आजकल इंटरनेट पे करते हैं बिटकॉइन वाले जो लोग हैं उनको, या करेंसी का जो इस्तेमाल करने वाले हैं खरीदो फरोख्त का, उनको भी कहूंगा हाथ होला रख लें जरा, यह ना हो कि आपने जो सोचा है उससे 37% कम तक स्टार्स आपको दें, जो कि अभी दिखाई दे रहा। बाकी ओवरऑल बहुत मजेदार है, थोड़ी सी आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। सेहत में आपको अपने हिप्स का और आपको अपने ये जो हाथ की ये वाली जगह है कलाइयां, इनका थोड़ा सा ख्याल रखना है। अगर थोड़ा सा पेन फील हो यहां पे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं, कोई भी पेन किलर ले सकते हैं, क्योंकि यहां विरसाल जो बड़ा सितारा है वो इन दो चीजों की पेशनगोई पहले से कर देता है कि ख्याल रखना है आपको इन चीजों का। जो लोग बहुत ज्यादा बैठ के काम कर रहे होते हैं, एरीज वाले ऑलमोस्ट बैठ के या लेट के ज्यादा काम कर रहे होते हैं, उन लोगों से गुजारिश है कि हर आधे घंटे एक घंटे बाद उठ के एक दो मिनट की वॉक जरूर कर लिया करें, तो हिप का जो बोन है वहां भी और ये जो आपके आर्म है रिस्ट, इनका भी जरा फर्क पड़ जाएगा। इस हफ्ते का अब आपको वजीफा क्या करना है, इस हफ्ते का जो वजीफा है वो बहुत जरूरी है। एक तस्बीह आपने पढ़नी है या वारिसो, और एक तस्बीह आपने पढ़नी है या हसीबो, ये वजीफा है, या वारिसो या हसीबो। कलर कौन सा पहनना है, डार्क ब्राउन पहनना है आपने। अगर आपके पास नहीं है तो कोई एक चीज ले लें, कपड़ा जो पिलो कवर होता है, पर्दा, कोई भी, जिस भी कमरे में आप होते हैं वहां पे भी, लेकिन एक डार्क ब्राउन कोई भी चीज होनी बहुत जरूरी है। और सदका आपने किस चीज का देना है, आपने देना है बेसन का सदका। 250 ग्राम बेसन है, अनकुक्ड हालत में आप किसी को भी दे सकते हैं।
बहुत सारे लोग जो बेसन नहीं दे सकते वो सिक्का राजुल वक्त दे सकते हैं। बिल्कुल आपके सवाल जो आते रहते हैं उनका जवाब मैं यहां साथ साथ देता जाऊंगा कि जी अगर हम सदका नहीं दे सकते इन चीजों को तो हम क्या करें। आप कुछ भी ना करें, आप सिक्का राजुल वक्त जिस मुल्क में रहते हैं उतनी ही तादाद या उससे ज्यादा जितनी भी हस्बे तौफीक आपकी जेब इजाजत देती है आप पैसे दे सकते हैं। और आप सॉट यानी टॉरस वाले हो जाए तैयार। टॉरस वालों के लिए बहुत मजेदार है। देखो जोहरा सितारा हमेशा से मैं ये कहता हूं कि जहां पे प्यार मोहब्बत को बहुत आगे की तरफ बढ़ा रहा होता है वहां पे आपकी हेल्थ और आपकी वेल्थ के लिए भी इस वक्त 2018 में ये वाला जो पोर्शन शुरू हुआ है 7 नवंबर को जो नया चांद आया उसके बाद बहुत मजेदार अब हैपन होंगे आपके साथ। सूर वालों की जिंदगी में 3 चीजें अब बड़ी अहमियत रखेंगी। एक वो जो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी है, रूहानी जितना भी है स्पिरिचुअल पावर उनकी बढ़ना शुरू हो जाएगी क्योंकि यहां पे एक सितारा है जिसको तिखलाब बोलते हैं। तिखलाब सितारा हमेशा से उन लोगों का होता है जो मराकबे करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो ना उसकी राह में जाने के मुसाफिर बन जाते हैं, चाहे वो पैदल चलने का सफर हो, चाहे वो किसी की उंगली पकड़ के जाने का, किसी की बैत करके जाने का सफर हो। इसमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्टेंट दिखाई दे रहा है। स्ट्रॉन्ग जो स्टार्स में है वो पोर्शन अब पर्पल होता जा रहा है। पर्पल जितने भी स्टार शेड्स आते हैं मिल्की वे में उसका मतलब ये होता है कि आपकी जिंदगी में अब कुछ ऐसा है कि आप बोलते जाएंगे और वो बेहतर होता जाएगा। लेकिन उसका साइड इफेक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर पड़ रहा होता है कि जितनी ज्यादा पढ़ाई करेंगे उतना ज्यादा आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट होगा। क्यों होगा भाई? देखो ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज को बहुत ज्यादा फोकस करेंगे तो आपको माइग्रेन हो जाता है, आपके जिस्म के किसी एक हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन होता क्या है कि आप जो जर्नी आपकी आगे जा रही है थोड़ा बारीक मैं आपको डीपली इसको बताने की कोशिश करता लेकिन वक्त की कमी की वजह से मैं इसको स्लाइडली से टच करूंगा। जब बहुत ज्यादा आप डीपली इसको टच करेंगे तो आपको समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो अब जिस वक्त आपका रूहानी सफर ज्यादा होना शुरू होगा तो बाकी मामलाते जिंदगी जो हैं वो हल्के हो जाएंगे, यानी जरिया माश है आपका, सेहत का है वो सारा। दूसरी जो अहम चीज है इसमें, मैं इसको स्लाइडली टच किया फिर अपने लाइव शो में हम इसको डीपली डिस्कस भी कर सकते हैं टॉरस वालों के लिए। और मुल्क से बाहर जाना या कहीं पर रहना या हिजरत करना जितनी भी चीजें हैं अब उसका भी एक ग्राउंड बनना शुरू हो जाएगा आपके लिए। क्यों ग्राउंड बनेगा? क्योंकि इस वक्त जोहरा जो है वो 38% डिग्री पे पहुंच चुका है। 38 पे पहुंचने का मतलब है कि आप जहां भी पैदा हुए जहां भी हुए वहां से टोटली एंगल चेंज हो जाना। एंगल चेंज हो जाने का मतलब यही है कि आप बहुत तेजी से आगे की तरफ अब जाएंगे, यानी हिजरत कर सकते हैं आप, वीजा इमिग्रेशन या जो भी प्रॉब्लम्स हैं आपके उनमें भी आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा बेस्ट हो जाएगी। ठीक हो गई, ये 2 चीजें तो हो गई बड़ी अहम। अब तीसरी चीज है उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, को कोर्सेज कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत मजेदार आगे इवेंट्स आ जाएंगे। आप लोगों के सितारे भी आपकी तखलीकी जितने भी काम हैं या आपका ब्रेन से जिसका भी पैसा आ रहा है उसको फायदा होना शुरू हो जाएगा। तो ये हो गई मजेदार चीज। देखो मुद्दत बाद जो उसने आवाज दी मुझे, कदमों की क्या मजाल थी, सांसें भी रुक गई। कोई महबूब मुद्दत के बाद आवाज दे या तकदीर आपको आवाज दे तो चलते चलते इंसान रुक जाता है। लेकिन यहां पे इस जुमले का मतलब है कदमों की क्या मजाल थी, सांसें भी रुक गई। तो जिनसे आप इश्क करते हैं ना उनकी आवाज आते ही दम रुक जाता है, दिल धड़कना भूल जाता है। इश्क और मोहब्बत की बहुत ज्यादा मिसिंग है। आप में मोहब्बत कहां चली गई है? ये वक्ती एक जो गुबार आ रहा है ये मजेदार नहीं है। यानी कि जिस जगह हो वहीं पे इश्क आपको नजर आ रहा हो, जिसके साथ है उस वक्त ही आप उसके साथ हैं, जबकि आप आंख ओझल पहाड़ ओझल वाले पहले तो कभी भी नहीं थे। अब आपके स्टार्स में ऐसा क्यों दिखाई देता है? निकलना चाहते हैं हम बदन से कि अब इस खाक से उकता गए हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आप अपने वजूद से उकता चुके हैं, दूसरे लोगों से उकताहट हल्की हल्की सितारों में कहीं दिखाई दे रही है। वो उकताहट आपका कसूर नहीं है, वो ऊपर जो मिल्की वे में हलचल हो रही है उसका कसूर है। शायद आपके इर्द गिर्द होने वाले वाकयात, पैसे को लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, रिलेशनशिप का बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होना या हेल्थ इश्यूज को लेना, इसलिए आप उस चीज पे फोकस नहीं कर रहे। प्लीज फोकस कर लेना, ठीक है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, 63% तक परसेंटेज चले जाएंगे, यानी कि आपका इल्म शोर आपका ब्रेन कैपेसिटी और ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही। वो लोग जिनके रिश्ते टूटते हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल ब्रेक हो रहे हैं, उनको अभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अभी भी 82% पे आके स्टार्स आपके रुके हैं। जोहरा इश्क का सितारा मोहब्बत का,
तो वो जोड़ सकता है, लेकिन आपकी रॉन्ग डिसीजन जो शरीके हयात का आप ऑलरेडी ले चुके हैं, ये वो लोग जो शादीशुदा है, जो गलत शादीशुदा वो मैच हो गया, उन्होंने कहा कि किसी ने भी कर दिया होगा आपका मैच जो कि था नहीं, उनको ये थोड़ा सा हार्ड टाइम मिल रहा है। लेकिन इंतजार कीजिएगा, क्योंकि अभी अब जो दिसंबर में दो वीक हैं उसमें आपका ये फैसला बड़ा पॉजिटिव वे में हो जाएगा, जो आपके हक में बेहतर होगा। कभी कभी हमें लगता है कि हम जो सोच रहे हैं वैसा ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। अल्लाह ताला जो चाहता है वो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक हो गया, तो अब आपकी मेहनत जनाब रंग लेकर आ रही है। कहीं आना जाना हो, किसी के घर दावत पर जाना हो, तो आप जरूर जाइएगा। काफी डिटेल से आपको मैंने बता दिया है। अब आपकी तस्बीहां क्या है, तस्बीह आपने पढ़नी है या मोमिनो या हादियो, दो तस्बीहां, या मोमिनो मेरे अल्लाह का इसमें मुबारक, और या हादियो। कलर कौन सा पहनना, गोल्डन कलर पहनना, गोल्डन के साथ आप ब्लैक कलर जरूर पहनिएगा, क्योंकि इन दोनों का कंट्रास्ट है इस हफ्ते के लिए। यानी गोल्ड कलर की कोई चीज पहन लीजिए, कोई गोल्डन कलर आपके इर्द गिर्द हो वो भी ठीक है, और आपने उसके साथ ब्लैक कुछ भी पहन लेना। सदके में आपने देना है एक पाव यानी 250 ग्राम घी, ऑयल कुछ भी दे सकते हैं, घी और ऑयल नहीं दे सकते तो उतनी ही तादाद के पैसे, सिंपल है। और आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अब किसकी बारी है मालूम है आपको? जी, मालूम है। अब बारी है जोजा यानी जेमिनी वालों की। अतारत सितारे में कमाल कमाल और बहुत कमाल शुरू हो चुका। जोजा वाले अब एक तो ये तैयार हो जाएं कि वो जो जो प्लान कर रहे थे मुल्क से बाहर जाने के, कि जी हमने दूसरे मुल्क में जाना है, किसी मुल्क का हमें सिरा नहीं मिल रहा, समझ लो मिल गया। अब शुरू हो गई है वो जर्नी, वीजा अप्लाई करना है, कर दो। 93.7% तक स्टार्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन खुदा के वास्ते वीजा के लिए पेपर हर चीज डॉक्यूमेंट सेट होने चाहिए। आंखें बंद करके आप शौक नहीं है अप्लाई कर दिए, परदेश जो है ना ये शौक नहीं होता, ये शौक होता है। इन दोनों में बड़ा फर्क है, एक उर्दू वाला है एक इंग्लिश वाला है। जो जो परदेश काट रहे हैं उनसे पूछो कि माँ के हाथ की या बीवी के हाथ की या बहन भाइयों के हाथ की वो जो रोटियां होती हैं, साथ में खाना, बैठना, मुस्कुराहटें, अपने वतन से दूर, ये लगता बहुत गुडी गुडी है, क्या आ रहे यार, बहुत मजा आएगा, ऐसा होता नहीं। लेकिन आप अगर आप फौजी बन ही चुके हैं, तैयार हैं, तो फिर जोजा वालों के लिए बहुत आसानियां हो जाएंगी। जोजा वालों के लिए जहां ये आसानी नजर आ रही है, मेरी यादों में मेरी बातों में हिसाब करके देखो बेहिसाब हो तुम। आप अगर किसी की यादों में बातों में हर वक्त है, आप किसी चीज का बार बार जिक्र करते हैं, तो इसका मतलब आप उस चीज से बेहिसाब जुड़ चुके हैं। अब क्या है कि आपने जो भी फोकस किया है, कारोबार, जॉब, पैसे से रिलेटेड जितनी भी चीजें, वो अब आपके कदमों की गुलाम बन जाएगी। क्यों बनेगी? यहां पर पहली चीज है गिव्यासी। गिव्यासी सितारे, माया कल्चर के लोग हमेशा इस स्टार को बहुत पूजा करते थे, माना करते थे, क्योंकि इसको कहते हैं जो मोहब्बत और पैसे की देवी होती है, आप पे मेहरबान हो गई। अब ये दोनों चीजें देख लो, एक तरफ इश्क है, दूसरी तरफ पैसा। अब ये बैलेंस तौर पे चलेगा अतारत के साथ। ये वाला जो शेड है 42% डिग्री पे, जिस वक्त ये अतारत की पोजीशन आती है, तो जेमिनी मालामाल होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये याद रखना कि इसके लिए राइट डिसीजन लेना। राइट डिसीजन किस चीज का? कि जिस कारोबार या जिस पेशे से जुड़े हुए हैं अब तक आप, आपको एक साइड या फिर एक न्यू डायरेक्शन भी निकालनी है। न्यू डायरेक्शन बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप ढीठ हैं, जिद्दी हैं, ढीठ का मतलब पॉजिटिव वे में लीजिएगा कि यही काम आपको करना है, तो फिर उसकी ईची बीची सीख लो। देखो किसी भी काम को सीखना कोई मुश्किल काम नहीं होता है। आप जिस भी पेशे से वाबस्ता हैं उसमें तो हजारों लोग हैं, डॉक्टर हैं तो बेशुमार, इंजीनियर, वकील, हम सिर्फ इन्हीं का सोच रहे होते हैं, जबकि नीचे और बहुत सारे हैं। केमिकल इंजीनियर, रोबोटिक इंजीनियर, आईटी की फील्ड है, टीचिंग है, ब्यूटी से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हैं, जॉब है, वो है, यहां तक के टेक्नीशियंस भी जितने हैं। अब उनमें बेस्ट कैसे होंगे? अल्लाह ताला तो आपको नहीं रोक रहा, उसने तो एक अपॉर्चुनिटी दे दी ना। अब उसमें बेस्ट होने का बेहतरीन तरीका यह है कि आप उसकी पूरी ए टू जी सब चीजों को पढ़ लें, समझ लें, उसकी प्रैक्टिकली आप उसके अंदर उतर जाएं, दूसरों से दी बेस्ट हो जाएंगे। तो जब आप दूसरों से बेस्ट होंगे तो फिर आपकी मार्केट कैसे बनेगी? आजकल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का है। अपने आप को प्रमोट करो, बिजनेस करो, अपने दोस्तों के साथ हो, लेकिन आजजी जरूर रखना। जहां पे आ गई उसमें तकब्बुर या अकड़, समझ लो आप गए मारे। उसे हंसना पसंद था और मुझे हंसता हुआ वो। जब आपको कोई एक हंसता हुआ अच्छा लग रहा है ना, तो वो अच्छा इसलिए लग रहा है कि आप उसको पसंद करते हैं, आप हर चीज को पसंद करते हैं। जेमिनी वालों का ये है,
जैसे कबीरा गुनाह से बढ़ के है इश्क, किसी ने ये लाइन कही थी, माफी नहीं मिलती है इसमें। तो ये जो इश्क है ये कबीरा गुनाह से ज्यादा, इसमें माफी नहीं है, इसमें जाना है तो जाना। बस आप ये सोच लो कि आपने जिस सफर पे जाना है जोजा वालों, वहां कामयाबी आपका इंतजार कर रही है और बड़े करीबी है, रिलेशनशिप बहुत अमेजिंग है, लेकिन आपका गुस्सा आपका थोड़ा सा लेवल 7.3% थोड़ा सा अप है। कंट्रोल, इसको कैसे करना है यार? कंट्रोल बहुत सिंपल होता है कि आप अपने नफ्स पे थोड़ा सा काम करेंगे, उसे सहलाएंगे, उसे बिठाएंगे, खुद आईने के सामने खड़े होके कहेंगे क्या कर रहे हो, मीठे बोल में क्यों जादू होता है, कि जो काम आपने किसी से प्यार से करवाना है वो तलखी से नहीं करवा सकते, आप तो औलादें नहीं सुन रही होती। अगर आप औलादों को चलो ये काम कर दो तो वो एक दफा दो दफा दस दफा सुन लेगा, एक ना एक दफा रिएक्ट जरूर करेगा, लेकिन अगर आप उनको 100 दफा दिन में कहें, हाथ लगाएं, प्यार करें, उनको फील करवाएं अपनी उंगलियों की पोरों से बहती हुई मोहब्बत, और उनको ये बताएं कि ये काम कर लो, मेरी जान तुम्हें यही चाहिए, ये महबूब के लिए है, औलाद के लिए है, जहां पे आप काम कर रहे हैं उनके लिए है, तो अगला गला भी कटवाने के लिए तैयार होगा, क्योंकि आप प्यार दे रहे हैं। सो प्यार, प्यार और जस्ट प्यार। अब आगे आपको अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप में काफी सारी चीजों की जो कमी दिखाई दे रही है, लाइक विटामिन डी बहुत ज्यादा मिस है, विटामिन जो के है वो मिस है आपका, वो क्यों मिस है, कि वो शायद आप बहुत ज्यादा कंट्रोल या डाइट कॉन्शियस, या इस वजह से आपको हर चीज नपी तुली ही चाहिए, तो थोड़ा सा कभी आउट ऑफ डाइट भी जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि जिनको शुगर है वो चीनी खाना शुरू कर दें। मेरी बात को आप दूसरी तरह से जरूर फॉलो कर लीजिएगा, जो बे औलाद है उन लोगों को औलादों की एक नवीद मिल जाएगी, जो गैर शादीशुदा हैं उनके लिए अच्छे रिश्ते इस हफ्ते आते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफी डिटेल से आपको बता दिया। अगर आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो राइट मैच का इंतखाब जरूर कर लीजिएगा, आदत 5 होगा उसका, वेनसडे को स्टार्ट करेंगे जो कि आपका लकी डे है, तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो जेमिनी वालों के लिए यह हफ्ता ओवरऑल देखा जाए तो परेशानियां रफा दफा करने का हाँ हफ्ता समझा जाता है, और तस्बियां क्या पढ़नी, या नाफे हो या नूर हो, मेरे अल्लाह के इसमें मुबारक हैं, और ये मैजिकल वर्ड्स होते हैं, जब आप पढ़ते हैं तिलिस्म को तोड़ देते हैं, जैसे सदका भलाओं को खा जाता है ना, ये आपके हफ्ते के जो इसमें आजम होते हैं, जब ये आप पढ़ रहे होते हैं तो हर उस मुश्किल को चीरते हुए लेजर लाइट भी बच्चा होती है उसके आगे चीरती हुई गुजर जाती है। तो ये इस्माए मुबारक बहुत जरूरी है, या नाफे हो या नूर हो। कलर आपने ग्रे पहनना है, डार्क ग्रे, और जो आपने सदका देना है वो सफेद तिलों का सदका है, और उसके साथ चीनी 1 पाव मिक्स कर लें, 10 ग्राम तिल, और वो मिक्स करके आप चींटियों को डाल सकते हैं, घर के बाहर किसी भी दरख्त के तने में नहीं कर सकते, तो 1 पाव चीनी और 10 ग्राम तिल के पैसे आप किसी गरीब को दे दीजिएगा, वही इक्वल वही होता है। तो ये था जेमिनी। अब बारी किसकी है? अब बारी है मेरे दोस्तों सरतान की, कैंसर वालों की। कैंसर वालों के लिए देखो, हद तक पोजीशन जो थी आपके कारोबार को लेकर यहां पे सितारों में कैंसर वालों को मजेदार तो चल रही थी, लेकिन अचानक ही रुक जाती थी, यानी काम चलते चलते आखिरी लम्हे में रुक गया माफ कीजिएगा, या फिर डिले होना शुरू हो जाता था। अब वो वाली सूरत हाल से आप निकल जाओगे, क्योंकि इस हफ्ते में दो बड़े सितारे बड़ी तेजी से ट्विस्ट कर रहे हैं, उसका मकसद आपकी डीपली जो बहुत बड़ी विश है वो भी पूरी हो जाएगी सरतान यानी कैंसर वालों की, और अगर आपकी फैमिली में कोई क्राइसिस चल रहे थे, रिलेशनशिप में कहीं ब्रेकअप था, महबूब के साथ कोई प्रॉब्लम था, वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो लव के जो स्टार्स हैं वो भी इस वक्त 51.2% तक आ चुके। अच्छा, 51.2% लागू कहां कहां होता है? यानी अगर आप वीजा अप्लाई करना चाहते हैं आप कर सकते हो, रिश्ता लेकर जाना चाहते हो जा सकते हो, नई जगह जॉब आप करना चाहते हो या अप्लाई करना चाहते हो, आपके पास नौकरी नहीं जरूर करना। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है, चलते चलते अचानक ही जॉब खत्म हो जाती है, रिश्ता टूट जाता है, मतलब जहां पे बात हुई हुई वो आपके हक में अच्छा होता है, उसमें कौसा मत करो किस्मत को, बेसिकली हुई किस्मत, किस्मत नहीं है कोई भी चीज, किस्मत डायरेक्टली अल्लाह को आप कह रहे होते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, इसका क्या मतलब हुआ? डायरेक्टली आप उसको बोल रहे हो कि जिसने नसीब लिखा है वो गलत कर रहा, वो कभी गलत कर ही नहीं सकता है। ये याद रखना कि जिन लोगों को कहते हैं आपकी ये शादी नहीं चल सकती, वाई नहीं चल सकती है, उसकी दो ही रीजन हो सकते हैं ना, कि चींटियों भरे कबाब आप देखे, आंखों देखी मक्खी खाए जा रहे हैं, आप ये कर सकते हैं, तो ये तो नहीं होता। एक बंदे का पता है ये आपके साथ रिलायबल नहीं है, धोखा देगा, पैसा नहीं है, फिर भी आप कहेंगे नहीं नहीं बस चिकना है इसलिए, ये चिकनी है इसलिए शादी कर लो, तो फूड़ किस्म की लड़कियां लड़कों के साथ जिंदगियां नहीं गुजरती। आपको ये पता होना चाहिए कैपेसिटी, आपने PhD किया हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर आपने किसी FA वाले बंदे से शादी कर ली, FA वाला आपसे ज्यादा कमा रहा है, प्यार करता है आपसे, सेंसिबल है, आपको लेके बहुत अच्छी तरह से कैरी कर सकता है, तो क्यों
फिर पढ़ाई कहां गई? मैंने पीएचडी लोगों को शादियां करते देखा, मैंने एमबीबीएस डॉक्टर लोगों को अपने बराबरी के लोगों में शादियां करता देखा और बर्बाद हो गई उनकी शादियां। फिर कहां प्रॉब्लम थी? आप तो अकले कुल हो ना, आपने तो बड़ा मेन एक हीरा चुना जिससे शादी कर ली और खत्म हो गए, तब नसीब पे डाल दिया कि नसीब ही नहीं था। जिससे इश्क होता है उसके बारे में कभी भी गलत बात नहीं की जाती, लेकिन आपने इतना इश्क करने के बाद उसको देखना तक पसंद नहीं किया। लेकिन तब भी आप अपने आप को ब्लेम नहीं करोगे। सरतान वालों, खुदा के वास्ते अब जो चीज अल्लाह आपको अता कर रहा उसको पकड़ो, जाने मत देना, चाहे वो उसकी रस्सी हो या उसकी अता है। शुक्र का कलमा आपकी जबान पे जरूरी है। ये इसलिए जरूरी है, देखो बहुत सारी मकतब में एक उम्र गुजारने के बावजूद बस तीन हरूफ याद हुए। बड़े बड़े पीरों, मुर्शदों, फकीरों, किताबें फरोड़ ली सारी कायनात की और तीन हरूफ याद हुए। तीन लफ्ज नहीं, हरूफ। क्या लफ्ज हैं वो? एन, शीन, काफ, इश्क। और वो इश्क मजाजी है या हकीकी है? सफर तो मजाज से शुरू होगा, हकीकत तक जाएगा। ये तीन लफ्ज बांध लेना अब अपने साथ, क्योंकि अब जो रूहानियत का एक नया दौर आपके ऊपर आना शुरू होगा, जहां जहां आप टूटे हैं, जहां जहां आपकी जिंदगी में कहीं डिस्ट्रॉय हुआ है, वहां से आपको ये नई पावर मिली है। कैप्रिकॉन और सरतान वालों को ये दो चीजें अब अता हुई हैं। इस हफ्ते आपको उसका सबूत भी मिल जाएगा कि अरे भाई, हम तो अल्लाह के करीब हो गए, हमें तो ये अच्छा हुआ कि ये जख्म मिला, तकलीफ हुई है। कभी कभी जख्म बहुत जरूरी होते हैं, उनको हमेशा याद रखा जाता। अब फैसले आपके सही होंगे, दूसरे लोग भी फैजयाब होंगे। इनामी बॉन्ड या कोई भी स्कीम में हिस्सा लेना चाहें बिल्कुल मत लीजिएगा। इस हफ्ते आपका कोई चांस नजर नहीं आ रहा। वीजा अप्लाई करना है, मैंने पहले ही बता दिया उसकी पूरी डिटेल। और स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत अमेजिंग है, 77% तक आपके परसेंटेज जा रहे हैं, लेकिन ये 42 डेज के लिए फिर ऊपर नीचे होता रहेगा। जेलस जितने भी लोग हैं, जो एनिमीज हैं, उनकी लिस्ट में 2.7% मजीद इजाफा होगा। लो फिर कर लो गल। उससे बचने का तरीका मैं बता रहा हूं ना आपको, उससे बचने का तरीका यह है कि आपने विर्द करने हैं मेरे परवरदिगार के इस्माइल मुबारक का, या रऊफ हो या बाकी हो, वही रहता है बाकी, या रऊफ हो या बाकी हो। कलर पहनना है आपने पर्पल एंड वाइट, पर्पल और सफेद, इन दोनों में से कोई भी कलर पहन सकते हैं। सदके में देनी है आपने दाल मसूर, वैसे तो ये 250 ग्राम है, लेकिन दाल मसूर न दे सकें या इससे ज़्यादा देनी है तो ज़रूर दीजिएगा, हस्ब तौफीक होता है सदका। अल्लाह ताला आपकी मुश्किलें आसान करे। अब बारी है किन की? किन की भाई? जिन की, वो जो जिन से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, असद यानी लियो वाले। और ये जो जंगल किंग है शम्स ने, अब उनको एक ऐसे मोड़ पर ला के खड़ा कर दिया है, उनके पास सिर्फ दो दो ऑप्शन होंगे। अब तक नहीं थे, अब तक आप एक लकीर के फकीर बने हुए थे। अब क्या है? प्रॉपर्टी, जायदाद, आपने कोई जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है, रिलेशनशिप, ये सब में आपको दो दो ऑप्शंस मिलेंगे। हां या ना वाला ऑप्शन भी मिलेगा, अच्छा और बुरे वाला भी मिलेगा, और अच्छा और बहुत अच्छा वाला भी शम्स आपको ऑप्शन देगा। क्योंकि इस वक्त जो नेपच्यून की सूरत हाल है उसको भी देख लें, आप शम्स को देख लें, बहुत सारी चीजें हैं जो इस वक्त 8.2% डिग्री पे आके रुकी है। कब तक रुकेंगी? टोटल टाइम आ रहा है 252 दिन, 252 डेज के लिए एक जगह पे रुका है। अब आपको इसका मतलब है तकरीबन पौना साल है, पौना साल आप जितना जी सकते हो सिमरन जी लो, क्योंकि यहां पे आपके सही फैसले आपको बहुत आगे लेकर जाएंगे। आपकी दिलचस्पियां चेंज होना शुरू हो जाएंगी, आपके जो गोल्स हैं वो भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैसा कमाने के नित नए आइडियाज जितने आपके पास होते उतना और किसी के पास नहीं होते, लेकिन किसी एक जगह टिक तो जाओ भाई। अभी जब से ये 2016 शुरू हुआ है और 2018 तक की जर्नी में कितना अपने आप को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये भी होना है, ये वो भी होना है, वो मत करना। इस हफ्ते इलेक्ट्रॉनिक में पैसा लगाना चाहो, लोहे में, गाड़ी बाड़ी कुछ भी खरीदना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये देख लेना कि इस हफ्ते की जो आमद है वो है 17%, फाइनेंस कैपिटल की बात कर रहा हूं, और जो जा रहे हैं पैसे वो है 27.2%। तो कंट्रोल कर लेना, अगर बहुत जरूरी है तो ले लो, नुकसान कुछ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा हाथ तंग हो जाएगा। रिलेशन जितने भी हैं उनको इस वक्त आपकी जरूरत है, यानी कि अब शायद कोई ज्यादा बुरे तरीके से आपको पुकार रहा है, प्लान कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 72 डेज के अंदर अंदर आपका एक जर्नी, एक सफर, एक लंबा सफर शुरू होने वाला है जो वसीला है जफर होगा। ठीक है, ये तो बहुत जरूरी है जो कि आपके लिए आगे जाएगा। जब कोई मर्द किसी औरत के लिए रोता है ना, तो समझ ले कि वो किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकता। ये मर्द बड़ा कम रोता है, बहुत ढीठ होते हैं बेसिकली।
लेकिन जब वो किसी के लिए आंसू बहाता है तो इसका मतलब है वहां से डिस्ट्रीब्यूट होके किसी और की तरफ चले जाना, रिप्लेसमेंट ऑफ पीपल की जो मैं बात करता हूं, बड़ा मुश्किल होता है। उंगलियां फिर मेरे बालों में, ये मेरा दर्द सर नहीं जाता। तो ये किसी एक की उंगलियां होती हैं जो आपके दर्द सर को रफा करने के लिए जरूरी होती है, वो इश्क है। आपकी मोहब्बत वाले जो बीच में स्टार्स हैं अब आपको थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं। अब आपका चेंज ऑफ लव क्या, आपका मूड जो बहुत अचानक ही स्विंग कर जाता है और आप एक्सट्रीम पर चले जाते हैं, आग बुगुला हो जाते हैं, आप वो नीचे की तरफ आ रहा है। लाइक जब आप पतंग को उड़ा रहे होते हैं तो बड़ी सख्त होती है डोर, आपके हाथ भी उंगलियां भी कट जाती हैं, लेकिन जब वो डोर कट जाती है, पतंग कट जाती है, तो डोर भी ढीली होकर गिर जाती है, पतंग भी अचकूले खाती हुई नीचे कहीं ना कहीं चली जाती है। समझ लो ये गुस्सा उस पोजीशन में जो कि बहुत स्ट्रांग है। जिंदगी में सब लोग रिश्तेदार या दोस्त बनकर नहीं आते हैं, ये याद रखना। ये रिश्तेदार है, ये दोस्त है, कुछ लोग सबक बन के भी आते हैं। अब समझ रहे हो आप असद वालों, जिन लोगों ने आपका कुछ बुरा किया या जिन लोगों के साथ कुछ हुआ है, भूल जाओ, आगे जाने की कोशिश करो, दिल में मत रखो, बात नहीं करनी मत करो, लेकिन इग्नोर का बटन दबाओ और आगे जाओ, क्योंकि आप जो जर्नी शुरू होने वाली है वो बड़ी अमेजिंग है। आपके नसीब के दरवाजे अब खुल रहे हैं। मैं अगर खुले लफ्जों में बताऊं तो 2019 आपके लिए बहुत अमेजिंग साल है। मुल्क से बाहर जाना, शिफ्टिंग करना, आपके इमिग्रेशन के जितने प्रॉब्लम्स रुके हुए हैं उनका, औलादें जिनकी नहीं है, मनपसंद औलाद यानी औलादें नरीना चांद जैसी बेटियां जो भी चाहते हैं वहां, जिनकी शादियां रुकी हैं वो, ये यानी अब सब बहुत क्विकली होगा। लेकिन इस सब में क्या होगा, जो बुरी नजर लगा के बैठे हैं, ताक में बैठे हैं कि आप हो या आप सामने हो, तो वो ये अपने अजा, उनसे बचने के लिए हम आपको बताते हैं तस्बीहां, बहुत जरूरी है। एक तस्बीह है या वकीलो और एक तस्बीह है या मतालो, मेरे अल्लाह के खूबसूरत इसमें मुबारक, या वकीलो या मतालो। रंग आपने पहनना है रेड और ब्राउन, रेड कलर और ब्राउन, इस हफ्ते के दो कलर हैं आपके। और सदके में आप दे सकते हैं रोटियां, जो मुल्क से बाहर हैं वो रोटियां नहीं दे सकते हैं, 14 रोटियां हैं, नहीं दे सकते, तो 14 रोटियों के पैसे आप सदके के बॉक्स में या जार में डाल दीजिए, आपके लिए हो जाएगा बहुत अच्छा। और अब किसकी बारी है, अब बारी है सोमला यानी वर्गो वालों की। वर्गो वालों हो जाओ तैयार। देखो जैसे जेमिनी का अतारड जिस शेड पे था, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट डायरेक्शन पे अतारड अब पहुंच गया। कैसे वर्गो वालों के लिए, एक तो ये है कि थोड़ा स्लो जो स्टार्स में एक मूव दिखाई दे रही है, मायूस मत होना, ये एक नई जर्नी की तरफ लेकर जाने वाले हैं। अभी आपको लग रहा है ना कि यार सितारे तो स्लो हैं और हम क्या करें, हम तो तैयार बैठे हैं लेकिन हमारे काम रुके पड़े हैं। वो कोई भी काम है, इमिग्रेशन का मसला है, वीजे का मसला है, कारोबार का है, जॉब का है, किसी भी चीज का, वो स्लो है। स्लो का मतलब ये है कि आप जो एक धमाका होना है, वो लफ्ज आपको मैं बता नहीं सकता कि आपकी जिंदगी को कितना चेंज कर देंगे। यानी आने वाले टोटल 88 दिनों की मैं बात करूं, 88 डेज की, तो इन 88 डेज में आपकी लाइफ पिछले 7 सालों में इतनी तब्दील नहीं हुई जितनी इन 88 दिनों में होने वाली है। सो वर्गो वालों रेडी हो जाओ, क्योंकि आपकी जिंदगी में काफी कुछ नया होने वाला है। तेरी ख्वाहिश हुजूम दुनिया है, मेरी खुशी बस एक तू। दुनिया मांग लेते हैं ना बहुत सारे, हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये मेरे पीछे दुबई की बिल्डिंग्स नज़र आ रही, ये भी किसी ना किसी की तो है ही ना, पूरी पूरी बिल्डिंग के मालिक भी होते हैं, पूरे पूरे शहर के मालिक भी होते हैं। मेरे इस साइड पे आपको समंदर दिखाई दे रहा है, समंदर में चलती हुई बड़ी बड़ी नाव, कश्तियाँ, क्रूज, इनके भी कोई ना कोई मालिक होते हैं जिन्होंने ये मांग ली। लेकिन एक लोग होते हैं जो कहते हैं मेरी खुशी बस एक तू, उसको एक शख्स ही उसकी दुनिया बन जाता है। आपकी जिंदगी भी ऐसे ही एक ही शख्स के गिर्द घूमना शुरू हो जाएगी। आपने घूम लिया ना, पूरी दुनिया घूम ली, हर चीज देख लिया, पूरी दुनिया से मुराद जो भी आपके इर्द गिर्द के सिनेरियो है उसमें देख लिया, लेकिन वफा वहीं पे है जो आपका राइट परफेक्ट मैच है। जिनकी शादियां नहीं हुई उनको परफेक्ट मैच मिल जाएंगे वर्गो वालों, और बहुत देर पर शादियां होंगी। जिनकी शादियां अब तक टूटी थी, अब वाला जो मैच है ये 100% आपका अपना इख्तियार है। आप हाँ करो या ना करो, इसमें पछतावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि मैं यहां 9 लिखूं और वो आपको 6 ही दिखाई दे। कभी मेरे एंगल से भी आके देखना तो जो 9 लिखा है वो 9 ही नजर आएगा। आप अपनी तरफ खड़े रहेंगे तो 6 का 6 ही रहेगा। इस वक्त छक्का मारने वाले हैं। पैसे की आमदन बहुत, मतलब जो भी अभी कम दिखाई दे रही है, अचानक ही 6.2% एक हफ्ते में बढ़ रही है, मजेदार हो गया। अब पैसा जा भी रहा है उसी रफ्तार से,
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिप्रेशन के कुछ सितारे जो हमें पास्ट में दिखाई दिए, अब वो डिलीट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिलीट क्यों हो रहे हैं? इस वजह से कि अतारत ने आप जो पोजीशन ली है उसमें अब आपका वो डिप्रेशन या हेल्थ के जो इश्यूज हैं वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। हार्ड वर्क कर लो थोड़ा सा, क्योंकि आप जिस चीज में जुत जाते हैं उसको पाके ही रहते हैं, बहुत मतलब डीपली आप चले जाते हैं उसमें। लेकिन अभी थोड़ा सा आप अपने आप को जंगालूद किए बैठे हैं तो ये चीजें अच्छी नहीं है। बहन भाइयों के साथ मामलात को जरा गौर से देख लीजिएगा, वो शायद इस इंतजार में हैं कि आप की उनको जरूरत है। दिलासा हमको देने का तमाशा खूब करते हो, ये दिलासा देने का तमाशा मत करो, या देना है तो दिलासा दो, नहीं तो कुछ भी नहीं। वो एक मुहावरा है कि मीठे आम अच्छे रिश्तेदार और खामोश बीवी किस्मत वालों को मिलती है, तो जरूरी नहीं है कि खामोश बीवी भी मिल जाए। अगर खामोश बीवी होगी तो फिर घर का निज़ाम कैसे चलेगा? उसको चलने दें आप, और हर चीज़ का जो अंजाम है वो बहुत अच्छा होने वाला है। वर्गों वालों के लिए, स्टूडेंट्स जितने भी हैं उन लोगों की ज़िंदगी में कुछ खास चीज़ें आ रही हैं जो मुझे बहुत मज़ेदार लग रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए एक तो मुल्क से बाहर जो हिजरत है वो बहुत कमाल है। यहाँ पे दो चीज़ें और दिखाई दे रही हैं, वो क्या है कि आपने जिस वक्त मुल्क से बाहर जाना है तो ये सोच लीजिएगा कि ये लंबी जर्नी होगी। हो सकता है कि जो नए जो गैर शादीशुदा है या जो मुल्क से बाहर कारोबार या जॉब के हवाले से जा रहे हैं उन लोगों के लिए शादी का बंदोबस्त भी वहीं हो जाए। तो लॉन्ग सफ़र का मतलब कि अब आप जा रहे हैं तो हो सकता है आपकी रिहाइश, खाना पीना सब वहीं पर हो जाए, प्लान कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और कुछ इतना है, आप लोगों की जो गुफ्तगू है वो अपने आप से जो चल रही है वो भी रूहानियत वाला सिलसिला, पहरों रहती थी गुफ्तगू जिनसे, अब उनसे बात भी नहीं होती। कभी कभी हमारे लिए होता है ना कि हम दिन रात किसी से 4-4 घंटे पूरी पूरी रात बात करते रहते हैं, और फिर जब बीच में कोई एक हल्की सी लकीर आती है तो मुद्दत तो उनका नाम भी याद नहीं होता, उनके वजूद की खुशबू भी आपको नहीं आती है। तो उन चीज़ों से बच जाइए, क्योंकि आपको राइट लोग जब मिल जाए तो फिर आप उनका पीछा नहीं छोड़ते, तो वर्गों वालों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। ओवरऑल देखा जाए तो यह हफ्ता आपके लिए बहुत अमेजिंग है। इस हफ्ते की तस्बीहां क्या हैं? या अजीज़ों या कुद्दूस हो, ये दो तस्बीहां जरूरी पढ़नी, या अजीज हो या कुद्दूस हो। कलर आपने पहने हैं डार्क एंड लाइट ग्रीन शेड, और इसके अलावा जो सबका आपने देना है वो आपने देना है चने की दाल का। चने की दाल एक पाव अपने सदके में देनी है, वो नहीं दे सकते तो 250 ग्राम के अलावा पैसे भी दे सकते हैं जितना भी चाहो। फिर मैं यही बता दूं कि सदका एक ही दिन हफ्ते में आप अगर देना चाहें तो एक दिन दें, एक ही दिन के लिए होता है। बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा करके रोजाना देते हैं। कलर एक दिन पहनो तब भी, पूरा हफ्ता उसको बदल बदल के पहनते रहो, कम से कम 3 बार पहनो या 2 बार तब भी, लेकिन तस्बीहां रोजाना पढ़नी है आपने। किसी भी एक नमाज में एक एक बार आप जरूर पढ़ लिया करो, ठीक हो गया। तो वर्गों के बाद अभी हम जा रहे हैं किस तरफ? मीजान की तरफ जा रहे हैं। मीजान वालों, आप लोगों की शिकवे शिकायतों के दिन खत्म हो गए। जोहरा सितारा ने अब आपके डिप्रेशन मोड को बिल्कुल डिलीट का बटन दबा दिया। अब आपकी ब्रेन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम करना शुरू कर देगी। मीज़ान वाले इस वक्त जिस जॉब में भी हैं उनकी तरक्की होने के चांसेस बढ़ चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी एनिमीज लिस्ट में 4 लोगों का इजाफा हो चुका है पिछले 17 डेज में। तो अब आपको मजीद दुश्मन पालने की ज़रूरत नहीं है। ये 77 दिन यानी 77 डेज तक यही लोग रहेंगे जो आपकी राह के रोड़े भी होंगे, रुकावटें भी देंगे। इसलिए मेरी गुजारिश आपसे यह है कि कोई भी काम पाया तकमील तक पहुंचने से पहले मत बताना, वरना जो स्टार्स की इस वक्त पोजीशन है वो फिर से स्लो कर देंगे। बस आप चलने देना, डायरेक्ट मुतलका लोगों से राबता रखना है। जॉब स्विच करनी है तब भी आपके लिए अच्छा वक्त है, नया कारोबार करना है तब भी। हेल्थ का थोड़ा सा फोकस कर लो, क्योंकि बहुत ज्यादा जो ब्रेन का इस्तेमाल हो रहा है ये आपको माइग्रेन की तरफ ले जाएगा। सो ब्रेन से माइग्रेन जुड़ा हुआ तो नहीं है? बहुत सारे लोग हैं जो तख्लीकार खालिक होते हैं, किसी चीज के साइंटिस्ट हैं, बहुत बड़े बड़े चीजें बनाते हैं जिनको नोबेल प्राइज भी मिले हैं, उन लोगों के दिमाग में तो कभी दर्द नहीं होता है। इसकी वजह यह है कि जो गलत फहमियां उन टूटे फूटे रिश्तों से, मोहब्बत से, बहन भाइयों से जो किसी ने डाली हैं या हकीकतन थी, उनको बिल्कुल रबड़ से मिटाने की कोशिश करो, तो 62.7% तक आपके जो सितारे हैं जोहरा उसको क्लीन कर देगा। यानी क्लीनिंग बहुत जरूरी है, ठीक है ना? गुफ्तगू कीजिए, यह फितरत इंसान है शकीब, जाले लग जाते हैं जब बंद मका होता है। तो आप कीप टॉकिंग, अब बात करें, डायलॉग्स करें, गुफ्तगू करें, लेकिन उसमें लड़ाई का अमल नहीं होना चाहिए। जब जहां पे आ जाता है ना मैं या अना आ जाती है, सारी दुनिया उदास पाओगे। हमसे तोड़े जो सिलसिले तुमने,
तो कभी कभी ऐसा होता है आप दावेदार होते हैं कि पूरी दुनिया में तुम्हें खुशी नसीब नहीं होगी, सैडनेस फील होगी हमसे अगर तुमने रिश्ता तोड़ा। ऐसा ही है आपके साथ भी, ऐसा ही है आपके साथ भी। कोशिश कीजिएगा आगे की तरफ बढ़ते जाएं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अभी क्योंकि नया सफर मीजान वालों की जिंदगी में बहुत दूर तक जाएगा। एक तो यह है कि अब आपने जितने ख्वाब देखे हैं वो बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं। जिन लोगों की मोहब्बत शादी का मसला रुका हुआ था वो बहुत जल्दी अभी आपको नजर आ जाएगा। रिश्ता ले जाना इस हफ्ते जरूर लेकर जाना। अगर आप कहीं पे स्टूडेंट्स हैं, कहीं आप चाह रहे हैं किसी और जगह पे आप स्विच कर दें, अपनी अपग्रेड कर दें उस वर्जन को कि आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो वहां भी फायदा होगा। लेकिन जहां पे आप जॉब कर रहे हो ना वहां पे थोड़े से रोड़े अटकेंगे। इससे इसका मतलब ये नहीं है कि किस्मत आपका साथ नहीं देगी, वो रोड़े सिर्फ आपकी किसी तल्ख जुमले या फिर आपका पहले से बता देने की वजह से होंगे। वालदैन में से जो भी हयात हैं आपके, दोनों अल्लाह ताला उनको लंबी उम्र अता करे, लेकिन जो भी हयात है उनको आपकी जरूरत है। आपके पास जो भी सेविंग्स हैं वो वालदैन कभी मांगेंगे नहीं आपसे, लेकिन फिर भी जो आपकी आमदनी है उसको अलग से थोड़ा सा जरूर हिस्सा निकाल दिया करें, क्योंकि ये मकाफात अमल होता है। आज उनकी बारी है, कल आपकी बारी भी आने वाली है। बच्चे वफादार हों हम दुआ करते हैं। घरेलू माहौल को खुशगवार बनाने के लिए शरीक हयात का थोड़ा सा साथ देना होगा इस हफ्ते आपको। ड्राइविंग करते हैं ज़रूर कीजिए, कोई नई चीज़ खरीदनी है ज़रूर खरीदिए, लेकिन ये जहन में रखिएगा 11% इस वक्त जाना है आपके पैसे का, और जो आमदन है वो है 4.7%। लेकिन ये ओवरऑल मैं 67 डेज के लिए बता रहा हूँ। बस गुस्से को काबू करें और बाकी आगे की तरफ अब जो जर्नी है बहुत मज़ेदार है, आपके लिए कमाल हफ्ता है। तुम्हें बस इतना कहना है वफाएं यूं नहीं होती। तो जब आप समझ गए हैं कि वफाएं कैसी होती हैं तो फिर क्या जरूरत है इधर उधर सर पटकने की। पढ़ लो या मालिकुल मुल्क और या मतीनो, ये दो तस्बियां हैं आपके लिए। या मालिकुल मुल्क या मतीनो, मेरे अल्लाह के खूबसूरत इसमें मुबारक कलर आपने पहना है, सफेद और ग्रे, दोनों में से कोई भी कलर पहन सकते हैं, व्हाइट एंड ग्रे। और सदके में आपने देना है कपड़ा, अनस्टिच कपड़ा दें या अपना यूज्ड कोई भी अच्छी हालत में कपड़ा, ये सदके में आप दे सकते हैं। और इसके बाद किसकी बारी है जनाब? अकरम। स्कॉर्पियो वाले बहुत परेशान हो गए थे लास्ट वीक, उनका को बहुत मज़ेदार नहीं गुजरा था। गुजरे से मुराद जो पर्सनली जो एक दूसरे को जानते हैं अकरब वाले, कि जी कुछ स्लो था, कुछ कानूनी उलझने थी, कुछ रकाबत की वजह से टेंशन जो स्ट्रेस लेवल है वो बहुत ज़्यादा था, स्टिल अभी भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था। लेकिन ये हफ्ता आपके सफ़र के लिए भी है, आपको रिलैक्स भी कर देगा और ज़्यादा से ज़्यादा आराम की कोशिश करना। एक या दो दिन आपको फुल मोड में स्लीप करना है, घूमना है, फैमिली को टाइम देना है, क्योंकि अकरब वालों के लिए अभी रिफ्रेश होना है। देखो गाड़ी चलते चलते हीट अप हो जाए तो उसका एक वो बार चल रही होती है ना कि पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो तो इंजन भी सीज हो जाता है, धुएं मुएं निकलते हैं, फिर आपको पानी वानी डाल, बस ऐसी ही हो गई आपकी पोजिशन। इतना ज्यादा यूज कर लिया ब्रेन को और अपनी बॉडी को कि कहीं आराम दिखाई नहीं दे रहा। तो अकरब वालों जरूर आराम करना। पैसे की जहां तक पोजिशन है वो 17.10% क्या होती है, 9% तो समझ आता है, 17.10% का मतलब कि बिल्कुल फ्रिक्स एक आखिरी लम्हा जो है 9.9% को ऊपर ले जाएं तो वो 10% बन जाता है। मिस्टर 10% की बात नहीं करें, हम दूसरी बात करें। तो ये वाली पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है, ये आया है 2018 में और ये जाएगा 2020 में, सेम इसी तारीख में, इन्हीं तारीखों में ये खत्म होगा। तो इसका मतलब है कि ये 2 साल आपका पैसा बहुत तेजी से रोल करेगा और आपके इर्द गिर्द देगा। राइट फैसले जरूर कर लेना, जैसे मैंने पहले भी बताया कि मुल्क से बाहर जाने की अगर तगोदो कर रहे हैं तो जरूर करना, ये बड़ा अच्छा टाइम है आपके लिए, वसीला भी बन जाएगा, आपकी फैमिली भी मूव होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक काम करना कि नया काम जो भी शुरू करना है उसमें पार्टनरशिप का होना बड़ा ज़रूरी है, बिकॉज आप अकेले अपना पैसा लेकर अगर चलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि आपका फैसला पहले माजी के बहुत सारे काम कारोबार की तरह सही हुआ। आपने सही किया लेकिन आपके उसके साथ चल ही नहीं रहा था, वो अपने कह कहे दुनिया को देकर खुद अपने गम छुपाना चाहता है। तो आप अपने कह के दुनिया को मत दो कि भाई जी मैंने अपने गम छुपा लिए, आपका जो गम है ना वो डिस्कस अल्लाह से ज़रूर किया करो। आपकी तो माशाल्लाह रूहानी पावर भी बड़ी ज़्यादा है, आप तो दूसरों को तरगीब करने वाले हैं, ऐसा कर लो ऐसा कर लो, तो फिर अपने मामले में क्या हो गया? वहदत-ए-इश्क का तकाजा है, हर नज़ारे में तू नजर आए।
तो बस आपने कोशिश ही करनी है कि अब जो भी आप करेंगे अपने वजायफ अपना सदका जो भी करना है वो ठीक है, लेकिन अब नई जर्नी के लिए तैयार हो जाएं। हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा जो पास्ट में थे अब वो बिल्कुल कवर हो जाएंगे। अब एनर्जी नई आने के लिए कहा ना एक या दो दिन के लिए रेस्ट करना बड़ा ज़रूरी है। मुल्क से बाहर शहर से बाहर कहीं भी जाना चाहो जा सकते हो, रिश्ते लेकर जाना है ज़रूर लेकर जाओ। नए लोग जो आपकी ज़िंदगी में शामिल होने वाले हैं या हो चुके हैं ये बहुत लॉन्ग टर्म नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे आगे चल के बताएंगे किसी और प्रोग्राम में, लेकिन बस कोशिश करना कि जल्द अज जल्द जो भी फैसले करने हैं कर लो, वो रिलेशनशिप से मुतालिक हैं या स्टूडेंट जितने भी हैं उनके मुतालिक हैं। इस हफ्ते की अकरब आलू के लिए तस्बीह मैं जल्दी जल्दी बताने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अकरब आलू की तस्बीह है या रकीब हो या कबीर हो, ये दो तस्बीहें आपके लिए बड़ी जरूरी हैं। और जो पीला कलर है आपका ये है इस हफ्ते का, और जो रंग है पीले के अलावा आपने सदका देना है आटा, आटा आपने देना है और आटा बहुत जरूरी है। आपने कितना देना है 1 किलो, 1 किलो आटा आप दे दीजिएगा, ठीक हो गया। और अब बारी है कॉस यानी सेजिटेरियस वालों की। सेजिटेरियस वाले हो जाओ तैयार क्योंकि मुश्तरी इस बार लेकर जा रहा है आपको दुनिया की उस जगह पे जहां पे थोड़ी सी एक्टिविटीज अजीबोगरीब सी हो रही है। अब आपके साथ सब कुछ वो होने लगेगा कॉस वालों जो इससे पहले नहीं हुआ। पहली तो यह है कि अजीबोगरीब वाकयात या कहीं किसी आवाज का सुनाई देना, इसमें हैरान मत होना। आपको नॉर्मल लोगों की निस्बत अगर कुछ ऐसी चीज दिखाई दे रही है जो किसी और ने नहीं देखी या किसी और ने नहीं सुनी लेकिन उस वक्त आपको आया है, तो यह याद रखना आपके लिए यह कुछ रूहानी और कुछ आपके वो कान खोल दिए जाएंगे अता कर दिए जाएंगे। ये 177 डेज 177 दिनों के लिए होते जितने भी सजिटेरियस वाले होते हैं उनको, जो नॉर्मल लोगों को कभी होता नहीं। कुछ एक सीक्रेट है मेरे अल्लाह का। कभी कभी होता है कि हम कहते हैं अरे यार ये सब कुछ तो हमने पहले नहीं सुना, ये देखा नहीं है, और बाकी लोग हैरान हो रहे होते हैं कैसे पागलों वाली बातें कर रहे हैं। तो अब ये बहुत अच्छा मोड है, अब आपका रूहानी सफर जो है वो बड़ा स्ट्रांग हो रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोग जो वज़ाइफ़ पढ़ते रहते हैं तो परवरदिगार वो स्टार्स की जब मूवमेंट हो रही होती है, चांद सितारे जब चल रहे होते हैं, तो आप पे अचानक ही एक चीज़ का गलबा आता है कि आप बस बह जाते हैं उसके इश्क में और झूमना शुरू कर देते हैं। बाकी लोग हंस भी रहे होते हैं लेकिन वो जो आपका झूमना है नच के यार मनाने वाला वो सिर्फ आप ही जानते हैं। फाइनेंशियल इश्यूज जो भी थे अब कवर होते हुए कॉस यानी सेजिटेरियस वालों के दिखाई दे रहे हैं कवर होते हुए। अब आपकी जो बड़ा दिल अल्लाह ने आपको अता किया है अब मजीद वो दिल बड़ा हो जाएगा। दूसरों को देते रहें जरूर दें लेकिन सेविंग भी थोड़ी सी कर लें क्योंकि सेविंग मिसिंग इसमें दिखाई दे रही है आपके मुश्तरी में। और आपके रूहानी सितारे जितने भी हैं अब आपको भी सपोर्ट करेंगे और आपसे फैजियाब होंगे। दूसरे कारोबार बिजनेस जॉब कुछ भी जो भी आप कर रहे हैं उसमें परसेंटेज है 11% तक बढ़ेगा, यानी जितना भी कम था उसमें 11% आमदनी में इजाफा होना चाहिए शुरू हो जाएगा। और ब्रेन का जो रिलैक्स होना है वहां पे मुश्तरी अब आपको 77% तक लेकर जाएगा। इसका मतलब है कि अब आप रिलैक्स हैं, जितना पास में आप हार्डवर्क करते थे अब उतना नहीं करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स जितने भी हैं उनके लिए यह हफ्ता बड़ा अमेजिंग है क्योंकि सेजिटेरियस वालों के लिए एक चीज़ है कि उनको याद थोड़ा जल्दी हो जाता है लेकिन एक पोर्शन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है 90 डेज के लिए जब वो जितनी कोशिश कर लें उनके ब्रेन में कुछ बैठता नहीं। अब जो पोर्शन शुरू हो रहा है 18 मंथ के लिए यह हर चीज़ याद भी रहेगी और भूलेगी भी कभी नहीं। इसका मतलब है कि स्ट्रांग हो रहा है ब्रेन, स्ट्रांग हो रहा है आपका जो भी रूहानी सफ़र है स्पिरिचुअल जो जर्नी है वो भी स्ट्रांग हो रहा है और कारोबार और पैसे वाला सफर भी बहुत स्ट्रांग हो रहा है। मिसिंग क्या है इसमें? मोहब्बत, थोड़ा रिलेशनशिप के स्टार्स वो मिस हो रहे हैं, उसको आपने एडिट करने की कोशिश करनी है, काटने की कोशिश करनी है। क्यों काटना? देखो कैसे काटना मैं समझाता हूं। अभी अगर कहीं आप रिश्ता लेकर जा रहे हैं जो आपको जाहिरी तौर पे अच्छा दिखाई दे रहा है कि यार यहीं पे हमने शादी करनी है, यही हमारा बिल्कुल राइट है, तो थोड़ा सा वेट कर लो, कब्जा ना हक ना कीजिए खुद पे, आप अपने नहीं हमारे हैं, तो जो आपके हैं वो आपसे कुछ ही नहीं सकता है, इसलिए जल्दबाजी मत करना। लेकिन अगर कोई रिश्ता आ रहा है और आपको लगता है कि ये सही होगा तो फिर मैच कर लेना, उसको मैच जरूर कर लेना। मुतमईन हूं तेरे जाने से बजाहिर लेकिन खा रहा है मुझे अंदर से इसी बात का दुख। तो बजाहिर आपके चेहरे पर जो एक्सप्रेशन चल रहे होते हैं ना वो कुछ और गेम है लेकिन अंदर से जो आप अपने आप को खाए जा रहे हो अब उससे निकलो, उस ट्रांस से निकलने की कोशिश करो। जितने लोग आपकी जिंदगी में जहर घोल चुके हैं आग लगा चुके हैं
उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लो, क्योंकि जो नेगेटिविटी फैलाने वाले लोग हैं उनसे दूर रहोगे तो आप अपने टारगेट को अचीव करोगे, और आप तो बड़ी आसानी से करने वाले हो। मुझे हैरत है कॉस वाले जितने सजिटेरियस वाले, ये तो वो हैं जिन्होंने जो सोचा वो करके दिखाया। तो फिर अब क्या हुआ ये 2.5 सालों में जो आप ऊपर से नीचे आ रहे हो? आई नो कि बहुत सारी चीजें जो मैजिक जादू टोना कॉस और सजिटेरियस वालों पर बहुत ज्यादा हुआ, कैप्रिकॉन पर भी बहुत हुआ, उसने डैमेज किया, लेकिन भाई आपकी विल पावर तो बहुत ज्यादा है ना, इसलिए आप आगे जाने की कोशिश करो। लव साइन बहुत अच्छे हैं, एक्सरसाइज जरूर कर लेना क्योंकि आपके जिस्म में बहुत जरूरी है, जिस्मानी तथीर का थोड़ा सा ख्याल कर लो, अपने पैरों का, और खास तौर पे आपको अपने गले का खास ख्याल रखना इस हफ्ते। बाकी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब करना क्या है? अब आपको तस्बीहां पढ़नी। तस्बीहां कौन सी पढ़नी है आपको? तस्बीहां पढ़नी है आपको, एक तस्बीह है या मुई दो और एक तस्बीह है या मुकी दो, या मुई दो या मुकी दो। कलर आपने पहनना है ब्लू, डार्क एंड लाइट सारे शेड सदके में दे सकते हैं। बर्ड फूड यानी बाजरा वगैरह कुछ भी आप दे सकते हैं। अब बारी है जद्दी यानी कैप्रिकॉन वालों की। कैप्रिकॉन वाले हो जाओ तैयार क्योंकि ये लास्ट स्टार्स चल रहे हैं, तो मैं चाहता हूं जल्दी जल्दी बता दूं। देखो जोहल ने एक बहुत मजेदार काम किया है आपके साथ। कैप्रिकॉन वाले सारे बड़े लकी इस मामले में कि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, बहुत सारे लोग होते हैं जो बैठे होते हैं, अचानक जितने भी कैपिटल है, पैसा है, फाइनेंस, उनके कदमों की धूल बनता रहता है, खुद ब खुद खिंचा हुआ चला आता है, बिकॉज मैग्नेट पावर स्टार्स में बहुत ज्यादा है। अब जोहल उस पोजीशन पे आ गया है कि अब आप दूसरों को आइडियाज देंगे, अब आप दूसरों को चलाएंगे, क्योंकि कमांडिंग पावर हमेशा से अल्लाह ताला ने कैप्रिकॉन वालों को रखी। आप जिसको भी जो भी मशवरा दो वो क्लिक कर जाता, क्योंकि आप दुनियादार बन के भी और ऊपर सुपर सुपरविजन जो करने वाले लोग हैं ना, जो किंग मेकर होते हैं, वो बन के भी आप दूसरों को देख रहे होते हैं, मशवरा देते हैं, इसलिए हर चीज पे डीपली रिसर्च होती है जद्दी वालों की। तो आप लोगों के लिए ये बहुत कमाल है। ब्रेन कैपेसिटी जहां पे खुल रही है वहां पे वीजा इमिग्रेशन से रिलेटेड जितने भी मसाइल थे वो यहां पे 87% तक हल होते हुए नजर आ रहे हैं। वीजा सबमिट करना है, कर दो। इमिग्रेशन के मसले हैं वो भी हल होते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें भी आप अपने लॉयर से बात कर सकते हैं। कोई जायदाद जमीन खरीदना है, अगर आपने सेल करना है, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। अच्छा, ये तो सारी गुड्डी गुड्डी काम चल रहे हैं, फिर ये जेलस पीपल कहां है? ये जो जल रहे हैं आपके, बहुत सारे लोग जो आपसे शायद हसन करते हैं, हसद करते हुए इजहार नहीं करते हैं, उन लोगों का क्या करना चाहिए? उसका कोई है? इंसान कुछ ताल्लुक कभी नहीं छोड़ सकता, बस छोड़ने की अदाकारी करता है। आप अदाकार बहुत अच्छे हैं कि चलो जी अब से बात नहीं करनी है, अब छोड़ दिया, लेकिन आपके अंदर वो जो एक खुलासा आ जाता है, क्योंकि आप उन रिश्तों से मोहब्बत करते हैं। तुम दर्द देकर भी कितने अच्छे लगते हो, खुदा जाने तुम हम दर्द होते तो क्या होता। तो कुछ लोग तकलीफ दे रहे होते हैं, लेकिन आपको मोहब्बत है तो आप उनके साथ जुड़े हुए हैं, और आप कहते हैं कि हम दर्द होता तो मैं तो पागल ही हो जाता या हो जाती। तो अल्लाह ताला आपको इस चीज़ का सिला देता है, क्योंकि आप हमेशा सब्र करते हैं। अपना हक आपका कोई भी नहीं खाएगा। मोहब्बत की जो एक कमी दिखाई दे रही थी पिछले दिनों, वो भी आप पूरा हो रहा है, वो भी हालात हाजरा को देखते हुए शायद आपने अपने दिल को कंट्रोल किया। वरना 24/7 जो लव के हिसार में रहने वाले लोग हैं, वर्गो और कैप्रिकॉन और जो पाइसेस हैं, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बड़ा डिफरेंट सा होता है। इनको चाहिए होता है प्यार, प्यार और सिर्फ प्यार। अच्छा, बाकी यहाँ पे जो पोजीशन है इस वक्त फाइनेंस की, मैंने जैसे बताया, अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए, वो जो पढ़ाई के साथ साथ कुछ कमाना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि आपका ब्रेन बहुत स्ट्रांग है, आप पढ़ाई भी कर रहे हो और साथ साथ कमा भी रहे हो। मुल्क से बाहर अगर जाके आपने कुछ करना है तो आसानी से सब कुछ हो जाएगा, अब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हेल्थ का आपको कोई लंबा चौड़ा ख्याल नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि जद्दी वालों के लिए एक स्टार है जो कि नींद का गलबा उन पर ज़्यादा से ज़्यादा आना शुरू हो जाएगा। पेट से रिलेटेड यानी फूड से रिलेटेड जो भी आपके प्रॉब्लम्स चल रहे थे, अब वो भी 17.2% तक हल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लकड़ हजम, पत्थर हजम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जोहल इस वक्त उस पोजीशन पे है जहां पे खुदा न खास्ता सिवाय नजर के और कुछ भी नहीं लगता है। तो नजर से बचने के लिए ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी कर लो, अपने स्टोन्स, अपनी जो भी आपने वर्द करने होते हैं, वज़ाइफ पढ़ने होते हैं, वो जरूर पढ़ लिया करो। शरीक हयात का पूरा पूरा साथ मिलेगा, मोहब्बत मिलेगी, दुआ जरूर किया करें, क्योंकि इस वक्त जो जोहल की पोजीशन है वो दुआओं के कबूल होने वाली पोजीशन होती, जो भी मांगा वो कबूल हो जाएगा। अब आपको ज्यादा से ज्यादा आराम की जरूरत है, क्योंकि अब पैसा तो आना शुरू हो ही जाएगा, लेकिन आराम कहां से आएगा वो खुद आपको निकालना पड़ेगा। हाइपर होने की कोशिश मत कीजिएगा इस हफ्ते, गुस्सा आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। मुझे सेहत है इसलिए आप थोड़ा सा रिलैक्स करें। मैं जानता हूं कि आपकी डगर से हट के अगर कोई और सदा निकालने की कोशिश करता है तो बड़ा मुश्किल होता है, थोड़ी फुर्सत निकाल ही लेना। हमने कब रोज रोज मरना है?
वो कोई किसी पे बहुत रोज़ रोज़ मर रहा होता है ना, तो वो दूसरे को कहता है थोड़ा सा तो टाइम निकालो भैया, हमने कब रोज़ रोज़ मरना है। अल्लाह आपको लंबी उम्र अता करे, आपके लिए आसानियां पैदा करे। आपको इस हफ्ते के जो वज़ाइफ हैं वो है या जलील हो या लतीफ़ हो, या जलील हो या लतीफ़ हो। कलर आपने पहनना है पिंक, लाइट या डार्क, शॉकिंग कुछ भी पहन सकते हैं। सबके में हड्डी वाला गोश्त 250 ग्राम कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना भी दे दें। और दूसरा अगर आप देना चाहें तो जलेबी, जलेबी का सदका, ऑरेंज और मीठा कुछ भी हो, ऑरेंज कलर की मिठाई जो होती है वो भी आप दे सकते हैं, और वो जो है 150 ग्राम है। मीठे में अगर आप जाएंगे, गोश्त में जाएंगे तो 250 ग्राम है, या उतने ही तादाद के पैसे दे सकते हैं। अब किसकी बारी है? अब बारी है दलो वालों की, खिरस वाले। उनको मैं ये बता दूं कि अब आपका देखो जोहल क्या कह, अब यहां पे पोजीशन बिल्कुल चेंज है। अब जो खिरस वाले हैं उन्होंने अब तक जितनी भी जस्तजू की है, जो एक टारगेट सोच के बैठे हैं कि हमने तो यही करना है, और उसके अगेंस्ट विंड चली है आज तक, अब वो विंड आपके कंट्रोल में होगी। आप जो एक स्ट्रिंग खींचेंगे वहीं से सदा आएगी और ये काम होना शुरू हो जाएगा। ये बड़ा मजेदार है खिरस वालों के लिए। जाती आपकी प्रॉपर्टी की अगर आपको फिक्र है, मिल जाएगा। कोई मुकदमा वगैरह आपने किया हुआ था तो उसमें भी विनिंग चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। मुल्क से बाहर जाना है, ये जॉब आपने करनी है, स्विच करनी है, अब हालात आपके लिए साजगार हो रहे हैं। फ्राइडे 7:35 से ये काम स्टार्ट होगा, जो कि बहुत दूर तक जाएगा। दूर से मुराद के 199 डेज, तकरीबन 200 दिन तक ये एक ही जगह पर बैठा रहेगा जो आपको सपोर्ट करता रहेगा। अच्छे दोस्त बड़े कम होते हैं इक्यूरिस वालों की जिंदगी में, मैक्सिमम 2 जो आपके साथ आपका अक्स होते हैं, बस वही 2 हैं। मजीद बढ़ेंगे जरूर, होंगे जरूर, लेकिन मुखलिस 2 ही होंगे। अब इसका ये मतलब नहीं कि बाकी लोगों से कटा ताल्लुक कर दें। जाहिर है जलने वाले, हसद करने वाले, वो तो आपकी ज़िंदगी का एक खासा है ना, डे 1 से ही चले हुए आ रहे हैं, क्योंकि आप दूसरों से ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं, बेस्ट हैं, टैलेंटेड हैं, इसलिए आपकी तरफ मक्खियों की तरह वो लोग भी ज़्यादा आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी ब्रेन कैपेसिटी को यूज़ करना शुरू कर दें। दूसरे लोग आपसे फैजियाब हो सकते हैं तो आप खुद से क्यों नहीं फैजियाब हो सकते? इसलिए ये जरा सा अपने ब्रेन का इस्तेमाल जरूर कर लेना। जी भर के चाहा तुमने, जी भर गया तुम्हारा। तो इतना बहुत कम लोग होते हैं जो जी भर के चाहते हैं और अचानक उनका दिल भर जाता है। तो आप अपने दिल को मत भर लेना, अभी टाइम शुरू हुआ है, यानी अभी आपकी जिंदगी के वो काम शुरू होने वाले हैं जिसका अब तक आपने इंतजार किया। कभी कभी मैं हमेशा कहता हूं ना कि कुछ सफर ऐसे होते हैं जिनमें पांव नहीं थकते हैं, दिल थक जाता है। दिल को मत थकने देना। अब जो भी लाहक अंदेशे थे कि ये ना हो वो ना हो, वो निकल जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। अब एक नई जर्नी, एक नया सफर जोहल लेकर आएगा और शुरू होगा। बहुत दूर तक जाओगे, मुसाफिरों के लिए बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए जो गैर शादीशुदा हैं या जिनके रिश्ते टूटे हैं अब तक, उनके लिए बहुत जबरदस्त हफ्ता है, कमाल है। इसका मतलब है कि अब आप जिस चीज में हाथ डालोगे पांचों उंगलियां घी में होना शुरू हो जाएंगी। राइट प्लानिंग होनी चाहिए। अब आप जो भी काम करने लगो उसका हिसाब लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको खुद ब खुद मौका मिलना शुरू हो जाएगा। तस्बीहां पढ़ लेना, या वहाबो या राफियो, ये 2 तस्बीहां इस हफ्ते की, या वहाबो या राफियो। कलर आपने पहनना है ब्लैक एंड ग्रीन, 2 कलर है, ब्लैक भी पहन सकते हो, ग्रीन भी पहन सकते हो। सत्के में आपने देनी है चीनी, शुगर 250 ग्राम, या उतने ही तादाद के पैसे। लास्ट स्टार है हमारे पास, कौन सा है? हॉट यानी स्पाइसेस वाले, हो जाओ तैयार। मुश्तरी इस वक्त आपके करियर को लेके, आपकी रिलेशनशिप को लेके, फाइनेंस के जो भी उलझन वाले मामलात थे उसमें अब स्पाइसेस वाले बहुत धनी हो जाएंगे किस्मत के। अब मुश्तरी उस पोजीशन पे आ चुकी है जिसको नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी की जबान में थिकियास बोलते हैं। थिकियास 2 सितारों का एक कंबाइंड जॉइंट वेंचर जिसको कहते हैं, यानी कि आप 2 लोग आपकी जिंदगी में, एक आप और एक दूसरा, चाहे वो मोहब्बत के मामले में, शादी के मामले में, औलादें अगर होंगी तो ट्विंस होने के ज्यादा चांसेस हो जाएंगे अगर मैच परफेक्ट है। आपने अगर काम करना है तो किसी और पार्टनर के साथ मिलकर करें। तो आप ये जो 2 वाली है ना, ये रहेंगे कम अज कम 223 दिन, 223 डेज तक एक ही जगह पर रहेंगे। आप भागेगी आपकी जिंदगी, क्यों नहीं रुकेगी? क्योंकि जरा फास्ट हो जाएगी। जैसे साल गुजरने का पता नहीं चलता, ये आपके 223 दिन गुजरने का पता नहीं चलेगा। कुछ राजों से पर्दा हट जाएगा दूसरों के, जो आप तक पहुंच जाएंगे वो आपके बारे में क्या सोचते। रिएक्ट मत करना, बहुत बुरा हो जाएगा, रिएक्ट करने से दुश्मनी ज्यादा बढ़ेगी। वैसे कौन से इतने दोस्त हैं रहा दिखा कर सदियों तक, छोड़ जाएंगे ये जहां वाले। तो अगर आपको गुराह दिखा रहा है ना, तो आप ये सोचो कि बस उससे सिर्फ यही पता पूछो कि ये तुम्हें किसने बताया। ये रिएक्ट मत करना कि तुमने मेरे लिए किया। मोहब्बत करो तो इतनी शिद्दत से करो कि अगर वो छोड़ भी जाए
तो और किसी का ना हो सके। ये मोहब्बत का एक फॉर्मूला है कि आप किसी से प्यार करो तो इतनी शिद्दत से कर लो यार कि आपने इग्नोर कर दिया, खत्म हो गई, किसी भी वजह से ब्रेकअप हो गया तो किसी और के काबिल ही ना रहे, उसको लगे कि यार मैंने तो बहुत बड़ी गलती की, वो अपनी आग में मर जाएगा, इसलिए रिएक्ट नहीं करना। स्पिरिचुअल टाइमिंग बहुत मजेदार हो गई है, 7.2% बड़ी है। एक हफ्ते में अगर इतना बड़ी है तो इसका मतलब है कि आप अल्लाह के ज्यादा करीब हो रहे हो, आपकी दुआओं पे, आपके वज़ाइफ में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आना शुरू हो गई हैं जो इससे पहले नहीं थी। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी चाहिए वज़ाइफ जरूर किया करें, क्योंकि उनका ब्रेन जो है इस वक्त बिल्कुल धुल रहा है और एक स्टेज पे जा रहा है जिसका मैं बता नहीं सकता। मुल्क से बाहर जाना, जाओ, आपने वीजा अप्लाई करना है, करो। अब देखो कि ये जर्नी अनस्टॉपेबल है, भागेगी और आप उस जगह तक भी पहुंच जाओगे, लेकिन ये याद रखना जबरदस्ती का नवाला खाने की कोशिश मत करना। मुल्क से बाहर जाने के चक्कर में किसी और के साथ शादी करके उसकी जिंदगी, अपनी जिंदगी को हल्के, कल को मुझे मत कहना कि ये 2 साल के बाद हमारी जिंदगी के साथ क्या हो गया। कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है, हर नवाला जो है वो मजेदार नहीं होता, किसी में हड्डी भी आती, किसी में बाल भी आता है, और वो नवाला आपको फेंकना पड़ता है। तो अब आप देख लो जो गेम होने वाली है आपके साथ वो मिक्स एंड मैच है, लेकिन अमेजिंग है। स्टूडेंट्स का जहां बहुत बेहतर है, वहां गैर शादीशुदा तलाकी याफ्ता जो लोग हैं उनकी जिंदगी में भी बहुत मजेदार काम होने वाला है। अब आपको ज्यादा दूर नहीं जाना, मैं आपसे गुजारिश यही करूंगा कि भाई साहब अब आपने जितना भी करना, कभी मसरूफ, कभी बहाने, कभी इतनी मजबूरियां, साफ लफ्जों में तुम खुदा हाफिज क्यों नहीं कहते, तो साफ बात किया करो। इधर उधर की बात करके अपने मुद्दे पे आना, पॉइंट पे आना, ये आपका खासा नहीं रहा है पाइसेस वालों। आप लोग तो बिल्कुल डिफरेंट हो, आप तो साफ बात करने वाले हो, लेकिन कभी कभी आपकी साफ बात दूसरों के दिल को तोड़ देती है, तो दिल शिकन ही मना है, ठीक है। तो आप ये मत करना, बाकी अब आप देखना कि आपकी जिंदगी में जो जो लोग जुड़ेंगे वो कहेंगे कि यार ये बहुत कमाल आदमी है या बंदी है। आपको इस हफ्ते की जो तस्बीहां हैं वो क्या पढ़नी है, या बर्रो या मुकद्दमो, क्या तस्बीह है, या बर्रो या मुकद्दमो। कलर आपने पहनना है ब्लैक या फिर ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू आपने पहनना है। सदके में देने हैं आपने ब्रोकन राइस, टोटा चावल, कितने 500 ग्राम, आधा किलो, अनकुक्ड या कुक्ड, दोनों हालतों में आप दे सकते हैं। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, परवरदिगार आपको किसी का मोहताज ना करे अपनी जात के सिवा। जो बीमार हैं उनको सेहत शिफाए कामला वाजला अता करे, जो बेरोजगार हैं उनको रिस्के हिलाल अता करे, जो इस जहान फानी से आपके अजीज़ो अकारिब जा चुके हैं उन पर रहमत नाजिल हों, उन्हें जवार रहमत में जगह दे, जो हयात हैं उन पर खास रहमत नाजिल करे, उनको दराजी उम्र की नवीद मिल जाए। जितने लोग किराए के मकानों में रहते हैं परवरदिगार उनको अपना घर अता कर दे, जो बेरोजगार हैं उनको तो रोटी मिल ही जाएगी लेकिन आपसे फैजियाब हो जाए, दूसरे लोग आपके हाथ, आपके नवाले दूसरों के मुंह तक पहुंच जाए, जो स्टूडेंट्स हैं तालीम हासिल कर रहे हैं उनके जहनों को वुस्सत अता करे परवरदिगार, उनको कामयाबियां अता हो, और हमें अजाब कब्र और अजाब जहन्नुम से निजात दिलाए, हमारे गुनाहों को बख्श दे। जिसके मन में जो अरमान हैं, जो शादी करने के ख्वाहिशमंद हैं, जिनके वालदैन परेशान हैं, उनकी जिंदगियों में शहजादे शहजादियां आ जाएं, जो बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता हो जाए परवरदिगार, हमें सिर्फ प्यार, इश्क और मोहब्बत अता कर दे, क्योंकि तू ही खालिक है प्यार का, इश्क का और मोहब्बत का। सांसों ने वफा की तो अगले हफ्ते फिर से आपके दिलों पर दस्तक देने के लिए हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए फीडबैक जरूर दीजिएगा, मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिखाई दिया, नहीं दिया तो मैं फिर से बता देता हूं, theRajaHaider@hotmail.com। आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, राजा हैदर ऑफिशियल मेरा फेसबुक है उसको लाइक करो, उसके इनबॉक्स में भी प्राइवेट मीटिंग या प्राइवेट अपॉइंटमेंट के लिए आप रब्ता कर सकते हैं। ईमेल भी इसी सिलसिले में करेंगे कि आपने प्राइवेट मीटिंग करनी है, उसमें आपको मेरे पीए का नंबर सेंड किया जाएगा, आप मीटिंग करेंगे, पे करेंगे और बात होगी। बाकी बहुत सारा प्यार, पामाने खुदा। सब्सक्राइब कीजिए मेरा YouTube चैनल राजा हैदर, बेल के बटन को दबा दीजिए ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, फेसबुक पे राजा हैदर ऑफिशियल को लाइक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं राजा हैदर को।